ये बताओ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या पता चला? हमें 4:30 बजे फोन आया कि आपके भाई गोली लग गया है करमपुर चौकी के। तब फोन आया तो हमने सोचा था तो बूटा देखे वहाँ की उनकी हाल गंभीर थी। पहुंचे वहाँ पर 5 बजे टाइम तो देखा था उनके गोड़ में गोली लगी थी, जख्मी था वो। फिर वहाँ से एम्बुलेंस को फोन हुआ, एम्बुलेंस लेने जिला अस्पताल लेके आई। अच्छा, क्या मतलब कितना पैसा क्या करते थे वो, कैसे? वो एक स्टाम वेंडर है तहसील लालगंज में, और 375,000 रुपया लिया था। तो क्या पैसा सब छीन गए क्या? सारी पैसा, पहले दो लोग से लड़ाई लड़े, पहली बार वो आए और बाइक से धक्के मारे गिर गए, फिर उनको इतने पर लड़ाई लड़े दो लोग से, तीसर का ने गोली उठाया तो मार के पार। अच्छा, वो किस चीज से थे वो लोग? अपाचे गाड़ी सफेद कलर की थी बता रहे थे। सर, एक व्यक्ति को गोली मार कर कुछ लूट रही है, तो सर ये कौन व्यक्ति है, क्या करता था, कहाँ घटना है, क्या है पूरा ब्यूरो सर? ये लाल बाबू बिंद, ये थाना लालगंज क्षेत्र से जो स्टाम्प बिल्डर बताए जाते हैं, ये मिर्जापुर की तरफ आ रहे थे तो करमपुर पहाड़ी के पास, जो इनका बताना है कि अपाचे में सवार 3 व्यक्ति आए और इनको गोली मार दी, इनके पैर में गोली लगी है, गोली मार करके इनके पास से 4.25 लाख रुपये लूट करके चले गए हैं। इस सूचना पर सारी फोर्स मौके पर है, SPCT मौके पर आए हैं, हम भी मौके पर हैं, इंस्पेक्टर कोतवाली देहात में फोर्स मौके पर हैं। घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है, घटना के अनावरण के लिए हमारे द्वारा निर्देश दिए गए हैं और टीमों का गठन कर दिया गया है। क्या इसको रेफर भी किया गया, वाराणसी दिया गया है? हाँ, इसको वाराणसी रेफर कर दिया गया है।